नमस्कार, मैं कृष्णा सोनी मेरी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं पकोड़े। आज हम प्याज के पकोड़े बनाने जा रहे हैं। इसके लिए दो मैंने मीडियम साइज के प्याज लिए थे, उन्हें इस तरह काट लिया है। ये देखिए, ज़्यादा मोटा नहीं और ज़्यादा बारीक भी नहीं, इस तरह गोल काट कर तैयार कर लिया है। एक कटोरी मैंने यहाँ बेसन लिया है, नमक लिया है, नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे। एक पिंच मैंने हींग लिया है, ये लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और ये थोड़ी सी कूटकर मैंने सौंफ ली है। ये मैंने अजवाइन ली है। जब भी आप बेसन के पकोड़े बनाएं तो अजवाइन ज़रूर डालें। तो ये आधी चम्मच से भी कम मैंने यहाँ अजवाइन ली है। ये पानी लिया है हमारे पकोड़े बनाने के लिए और ये तेल लिया है हमारे पकोड़े फ्राई करने के लिए। तो सबसे पहले एक मैं बाउल लूँगी, उसमें हमारा बेसन डाल दूँगी, इसमें हम हींग डाल देंगे, आधी चम्मच हम इसके अंदर नमक डाल देंगे, लाल मिर्च आधी चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, आधी चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे और जो हमने यहाँ अजवाइन ली थी आधी चम्मच से भी कम हमने यहाँ अजवाइन ली थी वो डाल देंगे और ये सौंफ डाल देंगे कुटी हुई। अब हम इस सारे मसालों को अच्छे से मिलाकर इसका बैटर तैयार करेंगे। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका घोल तैयार करेंगे। हमें इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं आना है देना है, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं आनी चाहिए। इस तरह घोल हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है। ये देखिए, हमारा घोल एकदम तैयार हो चुका है। तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए रख दूंगी ताकि फूल कर सेट हो जाए और गैस ऑन कर दूंगी तो हमारा तेल गर्म हो जाए। मैंने गैस ऑन कर दी है। जब तक हमारा तेल गर्म होता है हमारा बेसन अच्छे से फूल कर तैयार हो जाएगा। ये देखिए, हमारा तेल गर्म हो चुका है और इधर हमारा बैटर भी फूल कर तैयार हो गया है। मैं इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाल दूंगी, ये आधी चम्मच से भी कम काली मिर्च है। और अब मैं इसमें, ये थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दूंगी। मैंने यहाँ केवल दो छोटे चम्मच जितना पानी डाला है। ये देखिए, अब मैं इसके पकोड़े बनाना शुरू करती हूँ। तो पकोड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ गैस बिल्कुल सिम कर दी है क्योंकि तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब एक प्याज का टुकड़ा हम इसके अंदर डालेंगे और इस तरह पकोड़े बनाएंगे। इस तरह हम ये देखिए, अब हम इसे पलट देते हैं। जो सिक गए हैं उसे अच्छे से पलट पलट कर दोनों तरफ से। गैस मैंने अभी भी तेज़ नहीं की है, गैस बिल्कुल सिम है और सिम गैस पर यानी मीडियम गैस पर हम इसे पलट पलट कर अच्छे से सेक लेंगे दोनों तरफ से, अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक। ये देखिए, हमारी पकौड़ियाँ अच्छे से सिक चुकी हैं। तो अब मैं इन्हें उतार लूँगी और इसी तरह गैस मैंने एकदम मीडियम रखी थी और मीडियम गैस पर मैंने इसे आराम से फ्राई होने दिया है। तो अब हम इन्हें उतार लेंगे, उतार कर बाकी के हमारे पकौड़े भी इसी तरह बना लेंगे। ये देखिए, हमारे प्याज के पकौड़े बनकर एकदम तैयार हो चुके हैं। आप बरसात में इसे बनाइए और गरम गरम सॉस और चटनी के साथ सर्व कीजिए। तो ये देखिए, ये बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल महेंद्र सोनी को सब्सक्राइब व लाइक कीजिए। अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।